मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बीमारी होनी नहीं चाहिए जितनी आज हो रही है। बड़ा आश्चर्य है कि इतनी बीमारी क्यों। लोगों की ये धारणा है कि हमने ऐसा कर्म किया इसलिए हो रही है, इस धारणा को हमें संशोधन करें। कर्म किया इसलिए नहीं हो रहा है, तुम स्वयं अपवित्र रहकर कर्मों को बुला रहे हो कि आ जाओ और स्थान लो तुम्हारा। हम नहीं जानते हमारे शरीर की रचना इतनी मजबूत है। अगर शरीर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो शरीर शास्त्री बतलाते हैं कि हार्ट इतना मजबूत है 300 वर्ष काम कर सकता है, हमारी हड्डियां इतनी मजबूत है, हमारा नाड़ी तंत्र बहुत मजबूत है, काम कर सकते हैं। पर हम उनकी शुद्धि नहीं करते तो बेचारे अशुद्ध होकर खराब हो जाते हैं। धर्म उनकी शुद्धि का उपाय है, हम उनको शुद्ध बनाए रखें, बुरा विचार न करें, बुरी कल्पना न करें, अनिष्ट चिंतन न करें, किसी का बुरा न सोचें, तब तो सब ठीक रहता है। बुरा चिंतन कर अपने शरीर को दुर्बल बना देते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर बना देते हैं और बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। आप ये माने कि बहुत सारी बीमारियां ऐसे नहीं आती, हम बुलाते हैं तब आती है। बुलाती हैं, कुछ बीमारियां तो आ सकती है कि मौसम आया, सर्दी आई, गर्मी आई तो थोड़ा असर हो सकता है, पर बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां हैं बिना बुलाए नहीं आती। बड़ा आदमी बिना बुलाए कैसे आ सकता, नहीं आएगा तो बड़ी बीमारी भी अपनी शान है, इज्जत है, वह भी बिना बुलाए नहीं जाएगी। उसको आप निमंत्रण दे तो आ जाएगी, चाहे हार्ट की बीमारी, चाहे किडनी की बीमारी, चाहे एड्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये बीमारियाँ ऐसी है अपनी शान के साथ चलती, आप बुलाओ तो आएगी, नहीं बुलाओ तो दूर बैठी रहेगी, भीतर प्रवेश नहीं करेगी। आप बुला रहे हैं।